वो जा रही राधिका की ट्रेन, ये रही ये वाली। So what's up guys and welcome back to the PCB Vlogs और PCB Vlogs के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि भाई व्लॉग की शुरुआत है, घर में खड़ा हूँ, मास्क लगा रखा है भाई, बाहर जा रहा हूँ फिलहाल, और मैं पूरा बाहर नहीं जा रहा हूँ, बाहर जो जा रही है वो अरे वो मैं नहीं, वो ये जा रही है, राधिका जा रही है अपने घर, यानी कि अपने बिहार, मेरा घर तो ये राखी मनाने के लिए। क्या बात बोली है। मतलब पहले वाले घर। I will miss you. You will miss me too. ऐसी बात है, मैं वीडियो पे नहीं बोलते हम सख्त लोंडे हैं। और सामान वामान तैयार है, बैग वैग ले लिए इसने, और अब इसको मैं जा रहा हूँ छोड़ने। मास्क इसने मास्क लगा लिया ना? हाँ मास्क लगा लिया है। सैनिटाइजर कहाँ है? बैग में। बाय। मैं आ रहा हूँ अभी। नहीं मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं जाओ जाओ। So guys, निकल चुके हैं स्टेशन के लिए, और अभी सुबह सुबह ठंडी हवा बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छी हवा है, ठंडी ठंडी। हाँ अब क्या है कि ज्यादा सुबह मैं तो उठता नहीं हूँ, अब जो इंसान सोएगा 2-3 बजे वो तो कहाँ से उठेगा। लेकिन हाँ अच्छा है, माहौल बढ़िया है, सुबह का भी माहौल बढ़िया होता है गाइस, सुबह जल्दी उठना चाहिए। All right guys, लग रहा है कि मैं ही जा रहा हूँ। कितना सारा सामान उठाया है आपने? दो बैग और है। इसे कहते हैं कैरिंग पति। मैं इसका पूछ रहा था कि भाई इंजन के सामने फोटो खींचो क्या? बाद में। यहाँ पे तो कभी भी आके फोटो खींच सकते हैं अपन। देखो आई लव सन सिटी, आई ऑल्सो लव सन सिटी, आई तो टू मच लव सन सिटी। देख रहे हो कितना बड़ा पंखा है जोधपुर का स्टेशन का, और ये देखो यहाँ पे मशीन भी लगी हुई है सैनिटाइजर और सबकी, यहाँ से आप ले सकते हैं, पाइनर डाल दीजिए और ले लीजिए। जोधपुर इज वेरी डेवलपिंग नाउडेज। ये देखिए 10 रुपये का 3-ply मास्क एंड 95-30 रुपीज, ग्लव्स 20, सैनिटाइजर 50। हमारे स्टेशन पे साफ सफाई तो रहती है, आजकल पौधे भी लगा दिए। नाइस ना, बस इन पौधों में कोई पीक ना थूक दिया, जुबा केसरी ना कर दे इसके अंदर कोई, बस जुबा केसरी करने वाले बहुत है हमारे यहाँ, बहुत सिस्टमेटिक लगा है, ऊपर से ऊपर पानी होगा तो पानी, ये पाइप जा रहा है ना इससे हल्का हल्का, ये जो दिख रही है ब्लू वाली। चलो बढ़िया है गाइस, जिनके पांव सही है भाई वो भी लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, हमारे तो कार्डियो चालू हो गया यहाँ पे। कार्डियो से अगर किसी को तकलीफ है तो वो ये शख्स है। मैं तो आराम से कर ले अपने, तो सुबह का मॉर्निंग कार्डियो समझ लो आप। तो फिर राधिका की ट्रेन आ गई है, कहाँ आगे चलो? खुद के डब्बों में कंफ्यूजन हो रहा है इसको फिलहाल तो। मैंने क्या कहा था, कितने एग्जैक्ट जगह है, कितने एग्जैक्ट जगह बताइए, देख लो बिल्कुल मेरे सामने आया हमारा डब्बा, पिछली बार गए थे ना अपन तो यहीं पे खड़े थे और यहीं लगा था, ये देख लो। तो फिर राधिका अपनी सीट पे पहुंच चुकी है, और राधिका ने रेलवे से ये सीट का पट्टा ले लिया, सेम टू सेम सीट पे पिछली बार बैठी थी, सेम डब्बा सेम सीट। गाइस डब्बे में लाइटें आ गई है। और ये राधिका की हमेशा से रिजर्व्ड सीट, इस डब्बे की रिजर्व्ड सीट है। हाँ। कोई पट्टा वट्टा ले लिया है ना रेलवे से? अच्छा बोला था उनको, मतलब मुझे ये पता है। जो भी भाई अकेली लेडीज ट्रेवल करती है तो मैम आई है क्या? मैम क्या नंबर बताया, अगर जैसे किसी को ट्रेवल कर रहा हो, और नंबर क्या बताया था आपने?
139। तो उनके टिकट वगैरह नोट कर लेते हैं। कोई भी अकेले लेडीज़ ट्रैवल कर रही हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और ये वैसे भी टिकट विकट देखने आएंगे तो आपको बता देंगे। ठीक है राधिका? ओके। तो भाई ये सुविधा बड़ी बढ़िया है, ये नहीं सही है? है अगर कोई लेडी अकेले ट्रैवल कर रही है तो काफ़ी सेफ्टी फील होती है इसे। 139 ये है आपकी सेफ्टी का नंबर। कहीं भी थोड़ी आपको असहजता महसूस हो लगे तो कोई हैरेस कर रहा है, छेड़ने की कोशिश कर रहा है, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, सीधा आप कॉल करो। ये लोग सीधा आपकी बर्थ पे बर्थ नंबर वगैरह नोट कर लिया, सीट नंबर नोट कर लिया, डब्बा वगैरह कहाँ से कहाँ तक आप ट्रेवल कर रहे हैं वो भी नोट कर लिया है, रहने वाले कहाँ के हो वो भी नोट कर लिया है, इमीडिएटली सुरक्षा पहुँच जाए। और इस सुविधा के लिए थैंक्स टू इंडियन रेलवे एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड पुलिस। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बड़ा वाला धन्यवाद। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि मतलब लेडीज जो अकेले ट्रैवल कर रही होती है उनको कंफर्टेबल महसूस करवाता है। राधिका भी कह रही है कॉर्नर में कहीं से देखा होगा कि पीक थकी हुई है, मैंने कहा पीक बोल के अपमान मत करो, वो बोलो जुबा केसरी है। राधिका वो सामने देख रही हो, वो सामने नो स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट में जलाना हो यहाँ पे। क्या बोल रही हो? पांच के लगाएंगे। तो राधिका ने अभी ट्रेन नहीं चली है लेकिन लाइव स्टेटस चालू कर लिया है। हाँ, ताकि मेरे को पता रहे कि कौन सा स्टेशन कब आ रहा है। सही बात है, टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है, आप इतनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कब करने लग गए हैं? आपके साथ रहके। तो गाइस राधिका तो चली गई है, ट्रेन जा रही है, और अपन चलते हैं सीधा घर पे और उसके बाद चलेंगे अपन जिम। वो देखो वो जा रही राधिका की ट्रेन, ये वाली भाई फ्लोर देख रहे हो पूरा ऐसा कैसा पूरा चमचमाता फ्लोर है ये भाई, सफाई ए क्लास है अपने जोधपुर के स्टेशन पे। तो चलो भाई गाड़ी उठाते हैं अपनी पार्किंग में से और चलते हैं सीधा घर। आज भाई बहुत दिनों बाद में ना मौसम तगड़ा हो गया भाई, बादल बादल आ गए हैं, बाहर जाने का सीन होना चाहिए आज तो। और गाइस घर पे पहुंच गया हूँ मैं, मम्मी राधिका को छोड़ के आ गया हूँ मैं। क्या कर रहे हो आप, पौधों को पानी दे रहे हो? पानी दे दिया है पौधों को। ये मम्मी का सुबह का रूटीन चल रहा है, पाइप वाइप लगा दिया है सारे पौधे, इसलिए हमारे हरे भरे रहते हैं क्योंकि मम्मी उनका बिल्कुल बच्चों की तरह ध्यान रखती है। देखो काफ़ी फ्लावर्स वगैरह भी आ रखे हैं, उधर भी आ रखे हैं, बीच में भी हैं, और एक भी पीला पत्ता नहीं दिखेगा क्योंकि चुन चुन के मम्मी इनमें से निकाल देती है। सो ऑलराइट गाइस अब मैं जिम जाके भी वापस आ चुका हूँ, नहा लिया और अब टाइम है नाश्ता करने का, तो देखते हैं मम्मी ने किचन में क्या बनाया है ब्रेकफास्ट। हाँ भाई मम्मी क्या बने हैं आज? बनाई है नमकीन सेव। नमकीन सेव है, जबरदस्त लग रही है, बड़ी सुंदर सी लग रही है। हमारे मम्मी सजावट पे ऐसा वो मैं कितनी बार बोलता हूँ, सिर्फ बनावट पे नहीं सजावट पे भी उतना ही ध्यान दिया जाता है। तो खाना खाने के साथ साथ देखना भी तो पड़ता है, पहले मतलब आंखों से ललचाना चाहिए खाना आपको, फिर आप खाते हो। किचन में क्या चल, ये क्या है, ये क्या कर रहे हो? चिप्स को हवा खिला रहे हो? एक बड़ा डब्बा तो रख दिया। अच्छा ये क्या वो सिलीज नहीं जाए इसलिए कर रहे थे क्या? मैं का चिप्सों को हवा खिला रहे हो? पैक कर दूं। मैं का एसी वेसी की खिला दो हवा और तगड़ी वाली इनको। एसी की दवा खिला, फिर तो सील जाएंगे, एसी की तो खिला दी तो।